नमस्ते, हेलो एवरीवन, मैं रूपाली फ्रॉम अम्बाला टीम वॉरियर सेंटर एटमी से बात कर रही हूँ और आज मैं एटोमी हाइड्रा ब्राइटनिंग सेट के रिगार्डिंग एक लाइव टेस्टिमनी देना चाहती हूँ। इसके बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ कि ये चीज़ है क्या, क्या है एटोमी हाइड्रा ब्राइटनिंग सेट और इसने कैसे एक रेवोल्यूशन चेंज लेके आए हैं इंडिया में और हमारी स्किन में। तो पहले तो मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी कि एटमी का हाइड्रा ब्राइटनिंग सेट दिखता कैसा है। ये है एटमी हाइड्रा ब्राइटनिंग सेट। ये इस फॉर्म में आता है, ये एक सेट है जिसके अंदर दो प्रोडक्ट्स हैं, एक सीरम होता है और एक क्रीम होता है। आइए देखें वो कैसे दिखते हैं। ये है एटमी का सीरम। ये कैप्सूल फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। इसके अंदर काफ़ी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के एक्सट्रैक्ट्स हैं, लीव्स एंड स्टेम एक्सट्रैक्ट्स हैं, जो क्या करते हैं हमारी स्किन को एक एंटीऑक्सीडेंट फॉर्म में लेके आते हैं। हमारे ओपन पोर्स और जो डर्ट उनमें एक्यूमुलेट हुई हुई है उनको वो एलिमिनेट करते हैं, बाहर निकालते हैं और एक सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ आता है एटमी का हाइड्रा ब्राइटनिंग क्रीम। ये क्रीम बेस्ड है। जब हम कैप्सूल एसेंस को अप्लाई करते हैं उसके बाद हम क्रीम को अप्लाई करते हैं, और वो कैसे करेंगे, क्रीम के अंदर ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, ये मैं आपसे डिस्कस करूँगी। जैसे हमारा डेली रूटीन रहता है फ्रेंड्स के, बहुत बहुत लेथार्जिक रूटीन रहता है। अभी हम में से हर कोई ऑफिस जा रहा है, हमारी मदर्स या जो घर पे हैं वो खाना बना रही हैं, या जो फील्ड पे ऑन द फील्ड जॉब्स करते हैं, चाहे कोई भी हो, जो सन की यूवी रेज हैं वो हम सबको इफ़ेक्ट कर रही हैं और कहीं ना कहीं वो इतना हार्म कर रही हैं, इतना डीप उनका इफ़ेक्ट है कि इतना असर दिखता है कि पिगमेंटेशन आ जाता है, हमारे पोर्स बहुत डर्टी हो जाते हैं या इतने ओपन पोर्स हो जाते हैं कि बहुत बुरा लगता है, या फिर हम इतने कॉस्मेटिक्स अप्लाई कर चुके होते हैं अपने फेस पे कि स्किन एक ब्लॉक हो जाती है कि उस पर कोई भी नरिशमेंट नहीं जा पा रहा। तो फिर इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, राइट, कि हम टीवीज पे देखते हैं कि स्किन बहुत सूदिंग है, इफेक्टिव है, बट रियल लाइफ में इट इज़ जस्ट द अपोजिट। बट जो एटमी का प्रोडक्ट है दैट इज़ एब्सोल्यूट क्वालिटी विद एब्सोल्यूट प्राइस, मीन्स कि जो प्राइस आप पे कर रहे हो दैट इज़ द इन्वेस्टमेंट इन योर स्किन, दैट इज़ द इन्वेस्टमेंट ऑन योर सेल्फ, और जो क्वालिटी आपको रह जाती है स्किन में वो बहुत अच्छी होती है। वो एक कहते हैं ना एक ड्रीम क्वालिटी, दैट इज़ द ड्रीम क्वालिटी विच यू हैव आफ्टर यूजिंग द एटमी प्रोडक्ट्स। तो फिर आइए हम देखते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। सो दिस इज़ द एटमी एसेंस। एंड अब जब मैं यहाँ वीडियो बना रही हूँ आपके सामने, लाइक आई एम टोटली फ्रेश्ड अप एंड बट आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन अभी बहुत ड्राई है, इट्स नॉट शाइनिंग, इट्स नॉट ग्लोइंग और नरिशमेंट ज़ीरो लेवल है। और मैं रोज़ क्या करती हूँ कि वेन एवर आई गो फॉर अ बाथ, वेन आई बेथ एंड आफ्टर, जब मैं अपना फेस वॉश कर लेती हूँ, आई टोटली अप्लाई दिस एसेंस। और वो कैसे देखते हैं, आई ओपन इट अप और हम इसको एक ठीक ठाक क्वांटिटी में निकाल लेंगे, लाइक दिस, राइट। तो इसको अप्लाई कैसे करना है, टेक अ फिंगर और अप्लाई हमने ऐसे करना है, पूरी स्किन पे हम इसको स्प्रेड कर देंगे ताकि नेक एरिया नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि नेक भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है बिकॉज ये भी एक्सपोज होती है हमारी सन में। सो दिस इज द डायरेक्शंस, हमें ऐसे अप्लाई करना है, राइट। जो इसके अंदर कैप्सूल था वो क्या करा, उसने मेरी स्किन में डिसॉल्व कर लिया अपने आप को। सी मैंने ये लगा लिया एंड थोड़ा सा टैप। जब भी कोई लिक्विड एसेंस हम अपनी स्किन पर अप्लाई करते हैं हमेशा उसको टैप करना चाहिए ताकि वो पोर्स में अच्छे से मिल जाए। और नेक एरिया में जब हम कुछ भी अप्लाई करते हैं डायरेक्शंस अपवर्ड होने चाहिए ताकि कोई रिंकल फॉर्म में स्किन ना ढले, सैगिंग ना हो। एज यू कैन सी स्किन अब हाइड्रेट हो चुकी है, राइट। जो पहले स्किन थी उससे काफ़ी हद तक ड्राइनेस मेरी ज़ीरो हो चुकी है। यू कैन सी द एसेंस पूरा इसमें डिजोल्व हो चुका है, मेरे जॉ लाइन्स बिल्कुल अच्छे आ रहे हैं,
क्यों? क्योंकि मैंने इसका जो वेजिटेबल एक्सट्रैक्ट है, जो फ्रूट एक्सट्रैक्ट है, वो इसमें ब्लेमिश कर चुका है। अब मैं 2 मिनट्स वेट करती हूँ। इसके बारे में आपको बताती हूँ कि क्या है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स लिक्विड है, कंपोनेंट्स हैं, जो कि हमारी स्किन में आके वो डिसॉल्व हो जाते हैं और हमें रिफ्रेश करते हैं। एज यू कैन सी कि अब मेरा फेस ज़्यादा रिफ्रेश कर रहा है, इतना पहले रिफ्रेश नहीं कर रहा था। इसके बाद ये हमें ग्लोइंग इफेक्ट भी देता है। ग्लोइंग इफेक्ट कैसे? कि जब आप अपना काम कर रहे हो, आपने देखा होगा एवरी वन इज़ लाइक मॉइस्चराइजिंग देयर हैंड्स, पुटिंग अ लिप बम, ब्लिमिशिंग पाउडर स्टफ शुरू हो जाता है। बट आफ्टर अप्लाइंग द हाइड्रा सेट, ये आपको मेडिकेट करता है ताकि कोई पिंपल ना आए, कोई एक्ने प्रोन स्किन आपकी एलिमिनेट हो जाए और ग्लोइंग इफेक्ट। राइट, सो 2 मिनट्स हो चुके हैं। नाउ आई अप्लाई द एटॉमिक क्रीम। आई एम गोना ओपन इट अप एंड शो यू कि ये ऐसे दिखती है। एंड एक अच्छी कंसिस्टेंसी मैं लूँगी एंड आई विल अप्लाई ऑल ओवर माय फेस लाइक दिस एंड द नेक एरिया नॉट टू बी फॉरगेटन। राइट, अब हम इसको अप्लाई करेंगे ऐसे। राइट, कई बार हम देखते हैं कि हमारे नोज एरिया में एक लाइन आ जाती है विच कंसिस्ट ऑफ अ लॉट ऑफ ब्लैक हेड्स। बहुत सारे ब्लैक हेड्स आ जाते हैं। राइट, सी द डायरेक्शंस हाउ आई एम अप्लाइंग द हाइड्रा ब्राइटनिंग क्रीम ओवर माय फेस। राइट, तो वो जो लाइन आ जाती है वो ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स उसमें मिक्स होते हैं, वो बहुत बुरी लगती है। वो क्यों आती है? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हमारी डेड स्किन है वो हमारे नोज एरिया, चिन एरिया, यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं क्योंकि डर्ट एक्यूमुलेट हो जाती है। राइट, तो उसको भी ये एलिमिनेट करता है। सी द डायरेक्शंस हाउ आई एम अप्लाइंग द एटॉमिक ब्राइटनिंग क्रीम ऑल ओवर माई नेक। कभी भी नेक को ऐसे नहीं करना, डाउनवर्ड नहीं करना, हमेशा अपवर्ड करना है ताकि रिंकल्स और जो फाइन लाइन्स हैं वो एलिमिनेट हो जाएं और एजिंग प्रोसेस जो है, हर किसी का एजिंग प्रोसेस है, वो आपका डिले हो जाए, जल्दी ना आए। राइट, एज यू कैन सी हाउ माई फेस इज नाउ ग्लोइंग। कोई भी लाइन नहीं है, कोई भी फाइन मार्क्स नहीं है, द पिंप, यहाँ से आप देख सकते हैं कि कोई भी एक्ने नहीं है। राइट, ये हमें क्या करता है, एक सूदिंग इफेक्ट देता है और बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है। कई क्रीम्स मार्केट में अवेलेबल होती हैं, या आई एम नॉट गोना नेम एनी ब्रांड बिकॉज ऑल आर रिस्पेक्टिव ब्रांड्स, बट जो कुछ क्रीम्स होती हैं वो एक ग्रीसी इफेक्ट लीव कर देती हैं। दिस इज़ नॉन ग्रीसी। इसके अंदर हमारा बर्च ट्री के एक्सट्रैक्ट्स हैं, स्ट्रॉबेरी एक्सट्रैक्ट्स हैं, जो हमें पिंकिश इफेक्ट लीव कर देते हैं। और आपने अगर ये सुबह लगाया है, पूरे दिन आपको कुछ अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी, रिफ्रेश रहेगी। और अगर आप इसको रात को अप्लाई करके सोते हैं द वे आई यूज़, द वे वी ऑल शुड यूज़, तो आप जब सुबह उठेंगे द एक्ने प्रोन स्किन विल गेट एलिमिनेटेड टोटली। एंड दिस इज माई 100% श्योरिटी कि ऐसा होगा, क्योंकि इसकी एब्सोल्यूट क्वालिटी आपको मिलेगी। इसमें क्या करता है, रात को जब आप सोते हैं आपकी स्किन रेस्ट करती है। दिस इज द रेस्टिंग पार्ट के जब आपकी स्किन ब्रीथ, असल में ब्रीथ करती है। तो जब आपने स्ट्रॉबेरी एक्सट्रैक्ट्स लगाए, आपका बर्च ट्री एक्सट्रैक्ट्स आपके फेस पर हैं, आपके कई ट्री लीव्स और स्टेम्स आपके फेस पर हैं, उनका एसेंस आपके फेस पर है, तो वो आपको ब्लेमिश करेगा, एंटी एजिंग इफेक्ट देता है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं इसके अंदर जो कि आपके फेस को रिफ्रेश रखते हैं। एंड दिस इज़ माई ट्रू टेस्टिमनी कि मेरे पिम्पल्स के मार्क्स थे एंड यू कैन सी देर इज़ नो वन लेफ्ट। So I would like to say thank you Atomy for such a wonderful product and I'm looking forward ke kab aap aur bhi products launch karenge and I can use them. Thank you.